अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलबर्गा हेडलाइंस। क्या कर्नाटक में होगा फिर से लॉकडाउन? कोरोना वायरस का नया चेहरा क्या दुनिया के लिए बन सकता है मुसीबत? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कर्नाटक का कोविड 19 टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग के बाद कमेटी का कहना है कि जिस तरह ओमिक्रॉन दुनिया भर में अपने पैर फैलाते जा रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत को रियासत में लॉकडाउन लगाने पर गौर करना चाहिए। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का कहना है कि सूरत हाल अभी इतनी खराब नहीं है, लेकिन लोगों को कोविड गाइडलाइंस पर अमल करना जरूरी है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने कहा कि रियासती हुकूमत सिर्फ इसी सूरत में लॉकडाउन करने पर गौर करें अगर पॉजिटिविटी रेट की शरह वीकली टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5% से ज़्यादा बढ़ जाए और ऑक्सीजन बेड्स की गुंजाइश 60% तक जाती है। अगर हम शुरुआत से देखेंगे तो मालूम होगा कि साल 2019 दिसंबर के इख्तिताम पर हिंदुस्तान में आई कोरोना वायरस की आफत, जिससे कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। कोरोना वायरस की इस आफत को रोकने के लिए हिंदुस्तान भर में पहला लॉकडाउन लगाया गया, जिसने लोगों के हालात जिंदगी पर नेगेटिव असरात डाले। दुनिया भर में एक तबाहकुन माशी बहरान के साथ, जहां बहुत से खानदानों को अदायगी करना मुश्किल हो गया, मजदूर अपने घर परिवार से दूर हो गए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ऑक्सीजन बेड्स की कमी की वजह से कई लोगों की जाने गई और कई लोगों को मौत के करीब जाता देखा गया। पहली और दूसरी लहर में सरकार की नाकामियां देखी गई और अब तीसरी लहर आने के इम्कानात ज्यादा हैं। क्या सरकार कोरोना के नए चेहरे ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए तैयार है? एक तरफ सरकार को तीसरी लहर से लड़ने के लिए पहले से ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत है और दूसरी तरफ आवाम को भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर जैसे कोविड गाइडलाइंस पर अमल करना बेहद जरूरी है।